देखिए ऐसा है कि अगर आप एक एक किसान के पास पर्सनली जाकर पूछेंगे, जैसा कि हमने भी खुद पूछा है, कल भी जैसे मैंने आपको बताया कि कालांवाली जो है वहाँ के हमारे कई मंडलों के जो हमारे किसान भाई भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो आप ये देखिए कि वो ये मानते हैं कि जी 4-4 लाख रुपए के चेक जो हैं वो हमारे खातों के अंदर जमा हुए हैं। जो हम चाहे मुआवजे की बात करें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, जिस तरह से पैसा जो है, कल मैं आपको बताती हूँ कि शाम के समय में केलनिया के अंदर मुझे और हमारे कार्यकर्ता बंधु को हमारे साथ जाने का जो है वो मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर कहीं कोई किसी के यहाँ पर हमें बैठने जाना था, तो वहीं पर जो किसान भाई बैठे हुए थे उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कही कि हमारे खातों के अंदर 4-4 लाख रुपया है जो है ना जी वो जमा हुआ है। जबकि पहले कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा कि 2 रुपये के चेक, 2.5 रुपये के चेक, इस तरह से जो है हमारे किसान भाइयों के साथ एक मजाक किया जाता था। और जो बहुत ही छोटे हमारे, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत छोटे से छोटा जो हमारा किसान है, उसकी सहायता करने के लिए भी सरकार किसान सम्मान निधि योजना तहत 6,000 रुपये आप एक साल के अंदर दे रही है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है, जैसे जो MSP का जो इशू है, उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं उनके साथ बैठ के हमारे किसान भाई, देखो हम एक देश के वासी हैं सभी और हम सब इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई उनको दिक्कत हो, कोई उनको नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम बैठ के इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका समाधान निकलेगा और हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे मिलजुल कर। यही मेरी जो है आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी गुजारिश है, और इसके साथ साथ मेरी पुलिस से भी ये गुजारिश है कि वो किसान भाइयों के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो काम ना करें कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान हो। हमारे किसान भाई हैं, देखो अपना अपनी बात को रखना सब हर किसी का अधिकार है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो हमें ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें आम जनमानस को या किसी और को कोई नुकसान ना हो। किसानों से क्या अपील करते हैं? किसानों से मैं यही अपील करती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना करती हूँ कि वो सरकार के साथ बैठ के इसका समाधान निकालें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो है, चाहे देर से सही, लेकिन पहले समाधान निकला था, अब की बार भी समाधान निकलेगा। आपके चुनाव में प्रोफेसर गणेशी लाल जी और जगदीश चोपड़ा जी के अनुभव का कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा। देखिए मुझे लगता है कि मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे पास दो इतने जो है मजबूत स्तंभ जो हैं मेरे दाएं और बाएं अगर हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। जब इतने बड़े बड़े स्तंभ जो है मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। लोकसभा के लिए क्या तैयारी? लोकसभा के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अगर हमारे वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं वो मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हैं और मुझे फिर से यहाँ पर कमल का फूल का बटन जो है वो दबाने के लिए यहाँ पर जो है निशान मुझे अगर देते हैं वो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर फिर से जो है वो कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो उत्साह है, जोश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो है मुझे यहाँ से फिर से मौका मिलता है तो यहाँ पर कमल का फूल जरूर खिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।